गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बिजनेस सर्विसेज में सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस विच वी हैव इन अवर सिलेबस इज इंश्योरेंस. सो वॉट इज इंश्योरेंस? बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल अ फ्यू थिंग्स अबाउट लाइफ. लाइफ इज अनसर्टेन, इजंट इट? इट्स फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज राइट नाउ. तो नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट. The phase you have seen, we have seen, अगर हमें कोई बताता है कि लाइफ अनसर्टेन है, कई बार हम बिलीव नहीं करते. हम कहते हैं इसमें क्या है, लाइफ कैसे अनसर्टेन है? वी आर वॉट वी मेक ऑफ अवर सेल्स. बट नाउ ऑल ऑफ यू हैव विटनेस्ड दिस थिंग, ठीक है? तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. दीज अनसर्टेनिटीज मे बी रिलेटेड टू, दीज अनसर्टेनिटीज मे कॉज लॉस, डैमेज. What kind of uncertainties may cause loss, fire, theft, death, or even disability of body? तो जब ये uncertainties होती है life में, तो उसके करके individuals को और even enterprises को loss suffer करना पड़ सकता है. We cannot remove these uncertainties, can we? Uncertainties हैं. Uncertainties से होने वाले loss को हम खत्म नहीं कर सकते, eliminate नहीं कर सकते, but we can minimize it. How can we minimize it? By a device called as insurance. So बेटे, इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जिससे जो लॉस हमें होता है, लॉस होता है किस कारण से? अनसर्टेन इवेंट से. सो अनसर्टेन इवेंट से होने वाले लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम स्प्रेड कर सकते हैं ओवर डिफरेंट पीपल, ठीक है? Which different people? Those who are ready to get themselves insured. क्या होता है insurance? हम technical definition बाद में करते हैं. Insurance आप सबने अपने Activa की insurance करवाई होगी, ठीक है? Activa की insurance करवाने का मतलब क्या है कि कल को अगर कोई damage होता है आपके Activa को, उसके करके आपको जो loss suffer करना पड़ता है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. यही बात है. लेकिन इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी अग्रीज टू इंडेमनीफाई योर लॉस. इंडेमनीफाई मींस कंपनसेट, मेक गुड द लॉस. रिमेंबर दीज टर्म्स. कंपनसेट का मतलब सबको पता है, लॉस कंपेंसेट करना. उसकी जगह हम इंडेमनीफाई वर्ड भी यूज कर सकते हैं. और तीसरा वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज मेकिंग गुड द लॉस. टू मेक गुड द लॉस मींस टू कंपेंसेट द लॉस, ठीक है? सो इंश्योरेंस जो आपने करवाई है अपनी एक्टिवा की, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि कल को कोई एक्सीडेंटल डैमेज होता है या चोरी हो जाता है आपका एक्टिवा, तो उसके करके जो आपको लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी. बट क्यों करेगी इंश्योरेंस कंपनी? इन रिटर्न फॉर द कंसीडरेशन, इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ कंसीडरेशन मांगेगी, ठीक है? वो कंसिडरेशन को हम कहते हैं प्रीमियम. इन कंसिडरेशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड एज प्रीमियम. एवरी ईयर यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी. सी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गॉट एक्टिवा, ठीक है? आप सबने इंश्योरेंस कराई है. लेट अस सपोज आप सबका प्रीमियम 1000 रुपीज है. तो अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब 50,000 रुपीज पर ईयर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम की फॉर्म में
जा रहा है, ठीक है। तो अब कल को दो स्टूडेंट्स के एक्टिवा डैमेज हो गए और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने क्लेम मांगा कि भाई हमने ये प्रीमियम दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है आपके साथ, ठीक है, अब ये क्या हुआ है, हमारा एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया तो इसके इतने पैसे लगने हैं रिपेयर होने में, तो आप हमें दे दीजिए। यू मेक गुड अवर लॉस एंड इंश्योरेंस कंपनी विल एस्टिमेट द लॉस सफर टू योर एक्टिवा एंड इट विल मेक यू पेमेंट, इट विल कंपनसेट योर लॉस, मेक गुड योर लॉस। अब मुझे बताओ, लेट अस से 5,000 का खर्चा हुआ, दो एक्टिवा डैमेज हुए, दोनों के 5,000 का खर्चा हुआ, ठीक है, 10,000 रुपए कंपनी ने दे दिए दोनों इंश्योर्ड पार्टीज को, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी के पास ये पैसे कहां से आए? प्रीमियम से आए। प्रीमियम किसने पे किया, आप लोगों ने, इंश्योर्ड ने, यानी वो लोगों ने जो कि अपने लॉस को कंपनसेट करना चाहते थे, ठीक है। अब आपको नुकसान नहीं हुआ, आपने प्रीमियम पे करके अपने आप को इंश्योर करवा लिया कि लाइफ अनसर्टेन है, कल को अगर डैमेज होता है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगी। लेकिन आप में से 48 स्टूडेंट्स को के एक्टिवा को डैमेज नहीं हुआ, दो के एक्टिवा को डैमेज हो गया, ठीक है। अब इंश्योरेंस ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने आप सबसे, यानी जो कि अपने आप को इंश्योर्ड कराना चाहते थे, उनसे प्रीमियम इकट्ठा कर लिया और उसी प्रीमियम में से कंपनसेशन पे कर दी उन इंश्योर्ड को जिनको डैमेज हुआ। विच मीन्स बाय डूइंग दिस इंश्योरेंस कंपनी हैज स्प्रेड दी लॉस टू मेनी पीपल, 50 लोगों में वो लॉस स्प्रेड कर दिया, isn't it? And still it is having say 30,000 with itself. ज्यादा का भी हो सकता है, आप बोलो मैम हो सकता है हमें से 10 स्टूडेंट्स का एक्टिवा डैमेज हो जाए, ठीक है, सबके 6,000 लगे, तो उस केस में 60,000 इंश्योरेंस कंपनी को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का लॉ अप्लाई होता है, वी ऑलवेज फिक्स द प्रीमियम मेकिंग यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर एक्टिवा विल बी डैमेज्ड, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है ना मैथ्स में, तो कई बार आपके दिमाग में आते हैं जब मैथ्स टफ लगता है जिन बच्चों को, वो हमेशा यही कहते रहते हैं ये हम क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है। तो बेटे जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज यूज्ड इन इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो प्रीमियम जब फिक्स करते हैं, प्रीमियम की अमाउंट वो यही ध्यान में रख के करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि इन 50 में से कितने लोगों का एक्टिवा डैमेज होगा, ठीक है। तो अगर वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं भी होता, लेट अस से जैसे अब कोविड आ गया, सबने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो पहले कभी कोई इक्का दुक्का क्लेम करता था इन हेल्थ इंश्योरेंस, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई सर्जरी करवानी पड़ गई, लेकिन कोविड के करके तो कितने 80% लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना पूल होता है, हर साल तो नहीं ना ऐसा होता, तो पिछले प्रीमियम की भी अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको वो यूज करके पे ऑफ कर देते हैं। ओके, स्टूडेंट हैज अ क्वेश्चन, यस बेटे दीपांशु, सो वी कैन से व्हाट इज इंश्योरेंस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी, एक पार्टी, अब वो पार्टी को देखो, दो पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें दो पार्टीज होती ही होती हैं। तो ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो दो पार्टीज हैं वो कौन है, एक इंश्योरर है और दूसरा इंश्योर्ड है। तो इन योर केस इफ यू आर गेटिंग द इंश्योरेंस ऑफ योर एक्टिवा यू आर द इंश्योर्ड, एंड हु इज द इंश्योरर, इंश्योरेंस
company. So many of you have got your Activa's insurance done from other companies. किसी की मैक्स की है, किसी की जनरल की है, किसी की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या हो गई, पार्टी हो गई. सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी अग्रीज, ये अग्री करती है कि आई विल मेक गुड योर लॉस बट इन रिटर्न फॉर द कंसीडरेशन. उस कंसीडरेशन को क्या कहते हैं, प्रीमियम. इन रिटर्न फॉर द कंसीडरेशन कॉल्ड प्रीमियम. ये प्रीमियम मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है. ठीक है. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी agrees in return for the consideration called as premium to pay an agreed amount of money to the insured. It agrees to pay an agreed means jo contract mein inhone agree kiya hai. वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट है. तो दोनों ने एग्री किया है कि भाई अगर मेरे को लॉस हो गया तो इतने रुपए का मेरे को आपने कंपनसेट करना है. तो अग्रीज इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्रीमियम टू पे अग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर पार्टी टू मेक गुड द लॉस. समझ में आया. आई एम रिपीटिंग, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी अग्रीज इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्रीमियम टू पे specified agreed amount of money to the other party to make good the loss suffered by it. ठीक है. तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपके अपने एक्टिवा के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या स्पेसिफाई करता है, उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी अग्री करती है कि भी अगर आप मेरे को प्रीमियम पे करोगे तो मैं आपको इतनी अमाउंट तक का लॉस कंपनसेट कर दूंगा अगर आपको लॉस होता है तो. सब्जेक्ट टू कंडीशन है, लॉस मस्ट बी सफर्ड बाय द इंश्योर्ड. ये नहीं कह सकते 10 साल हो गए प्रीमियम पे करते अभी तक इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ नहीं दिया. नहीं, ये एग्रीमेंट क्या कहता है, इन केस ऑफ लॉस I will pay you agreed amount of money. Getting my point? Secondly, ये जो agreed amount of money का मतलब ये है, जितना अगर ये contract अलग अलग होता है, अगर आपके contract में ये लिखा हुआ है कि जितना नुकसान हुआ हम उतना भरेंगे, इतने premium दोगे, अगर आपका premium है 1200 तो जितना नुकसान होगा ना हम सारा का सारा भरेंगे, तो उस केस में जितना नुकसान हुआ सारा भरना पड़ेगा, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 60,000 हो. ठीक है. लेकिन अगर प्रीमियम इस तरह से फिक्स किया हुआ है कि भाई 500 रुपए देंगे, अगर हर महीने 500 रुपए दोगे तो आपका 10,000 तक का डैमेज कवर है, तो उस केस में अगर 15,000 भी नुकसान हो गया तो अग्रीड अमाउंट ऑफ मनी मिलनी है. ठीक है. और अगर नुकसान हुआ 5,000 का तो कितना मिलेगा, 5,000. जितना नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस कंपनसेट करना है, आपको पहले वाली पोजीशन पे लेके आना है, आपको बेटर ऑफ नहीं करना. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग गुड द लॉस, नॉट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. क्लियर. सो इंश्योरेंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन रिपीट आफ्टर मी.
Insurance is a contract whereby one party, contract whereby one party agrees in return for the consideration called as premium to pay an agreed amount of money to the other party in case of loss. ठीक है, अगर loss होता है to make good the loss. ठीक है, so इस contract में बेटे जो अपनी पार्टी अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा रहा है उसको क्या कहते हैं, इंश्योर. और वो फर्म जो कि इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसको क्या कहते हैं, इंश्योरर. और अग्रीमेंट जो कि हम राइटिंग में लेते हैं उसको कहते हैं पॉलिसी. क्या कहते हैं, पॉलिसी. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बेटे. लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ को हम इंश्योर करते हैं. ये हम टाइप्स बाद में डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ मीनिंग बता टाइप्स के नेम्स बता रही हूँ, मीनिंग बाद में डिस्कस कर लेंगे. थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर मेनली, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस. ठीक है, उसके बाद लेट अस सी द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस. ये जो इंश्योरेंस एक डिवाइस है, एक सर्विस है, एक फैसिलिटी है, ये हमें कौन कौन सी फंक्शंस प्रोवाइड करता है. एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट डज इंश्योरेंस डू फॉर अस. इंश्योरेंस एक फैसिलिटी है, ये हमारे लिए क्या काम करती है. इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी. एज आई टोल्ड यू लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. लाइक कोविड वॉज देयर, सो मच अनसर्टेनिटी वॉज देयर. थिंक ऑफ अ पुअर फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली विच हैज ओनली वन अर्निंग मेंबर. ठीक है, and he is suffering from COVID, so there is no scope of his reviving. One thing, so much is being spent on his treatment. Another thing, doctors are not showing any hope for his survival. Imagine the situation of rest of the family members who have no one else to depend upon financially. ठीक है, और वो क्योंकि lower middle class है या पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, तो जितनी उसकी कोई सेविंग्स नहीं है तो फैमिली कैसे सरवाइव करेगी. सो मच अनसर्टेनिटी. नाउ थिंक ऑफ द सिचुएशन, दिस पर्सन हैज गॉट हिज लाइफ इंश्योर्ड, सो इवन दो देयर विल बी अ बिग सेटबैक टू द फैमिली. जब उसकी डेथ होगी तो एक डेथ को हम, लाइफ को हम मॉनिटरी टर्म्स में कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फैमिली को एटलीस्ट ये पता होगा कि इसने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो इंश्योरेंस से हमें ये अमाउंट मिलेगी, उससे हम अपना सर्वाइवल कर सकते हैं. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी. इंश्योरेंस से आपको एक सर्टेनिटी मिलती है, आपको पता होता है कि भी अगर कल को ये मिस हैपनिंग हो भी जाती है, आपका एक्टिवा है, ठीक है, अब एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया तो आप कहोगे अरे इतनी मुश्किल से एक्टिवा लिया था, अब कैसे इस पे 10-20 हजार कैसे मेरे पेरेंट्स लगाएंगे. सो बट यू, व्हेन यू हैव गॉट इट इंश्योर्ड, यू नो द इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड द लॉस. सो एक सर्टेनिटी जो है वो इंश्योरेंस का इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है. देन इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. सिमिलर पॉइंट वी कैन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जो इंश्योरेंस का डिवाइस है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस. जो लॉस के चांसेस हैं, जो लॉस आपको अक्कर हो सकता है उसको रोक नहीं सकता. इंश्योरेंस कैनॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट
but it can compensate for the loss if the event happens. आप एक्टिवा चला रहे हो, आपको ये नहीं है कि इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा. एक्सीडेंट अगर हो गया तो आपको प्रोटेक्शन देगा, यानी आपके लॉस को मेक गुड कर देगा, कंपेंसेट कर देगा. सो विच मीन्स इंश्योरेंस ऑल्सो प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. देन थर्ड इज बेटे रिस्क शेयरिंग. In the very starting, I told you one definition of insurance, that is insurance एक वैसा device है जिसमें insurance company जो है वो आपका loss compensate करती है और इसको आपके risk को share करती है amongst those who are exposed to risk and who are ready to get themselves insured. सो बेसिकली क्या हुआ, कल को जब आपका एक्टिवा डैमेज हुआ जिसके ऊपर 20,000 रुपए लगे, ठीक है, वो 20,000 कहां से आया, आपने तो प्रीमियम पे किया 1,000 का, 20,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको कहां से दे रही है. जो लोग रिस्क को एक्सपोज थे उन्होंने भी, और जो लोग अपने आप को इंश्योर कराने को तैयार थे उन्होंने भी 1,000-1,000 रुपए दिए हुए हैं, तो वहां से आपका रिस्क जो है वो शेयर हो गया. सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्क डिफ्यूजन और ऑफ रिस्क शेयरिंग, ठीक है. देन लास्ट फंक्शन, इट असिस्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड. सुयश बेटे बी क्वाइट. और आपके आगे कौन है बच्चा, क्या नाम है आपका, माधव, राघव. बेटे आपकी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है तब से, प्लीज डोंट ब्लेम अदर्स. आई टोल्ड यू, यू आर इन 11th, स्टॉप एक्टिंग लाइक यू आर इन जूनियर क्लास, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. सो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बेटे, इट इंप्लाइज इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हेन वी मेक एक्सपेंडिचर on the purchase of capital goods. You know what are capital goods? Machinery, building, yani wo goods jo ki further production mein hamari help karte hain, wo capital goods hote hain. So you tell me, if we buy more of capital goods to hamari country mein production badhegi, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी. तो इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है. इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा होगी. तो बेटे इंश्योरेंस एक डिवाइस है सेविंग का, जो आप लोग प्रीमियम पे करते हो ना, इंश्योरेंस कंपनी उसको रख के नहीं बैठ जाती, लॉकरों में डाल के नहीं बैठ जाती कि चलो कल को इसको नुकसान हुआ तो उसमें से कुछ निकाल के दे देते हैं. वो फर्दर उसको इन्वेस्ट करती है, उन लोगों को देती है जिनको लोन की जरूरत है, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया मतलब कंपनी के पास चले गए पैसे, ठीक है. तो इन दिस वे इंश्योरेंस ऑल्सो हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन.